हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, एचपीपीएससी पीजीटी जो एग्जाम होना है 2024 में, उसका जो पेपर वन है, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो है आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। हमने जो है 15 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं पीजीटी पेपर वन के लिए, तो आप देख सकते हैं विद सॉल्यूशन हमने जो है पीडीएफ प्रिपेयर की है। अगर आप सभी को जो है ये पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो है आपको डिटेल मिल जाएगी आपको मॉक टेस्ट की। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट वन। ओके, तो मॉक टेस्ट वन एज पर एग्जाम पैटर्न, ओके, इसमें 50 क्वेश्चन है और आपको जो है 100 मार्क्स है इसमें, और आपको 1 घंटे का इसमें टाइम है। हर एक क्वेश्चन में जो है 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो एचपीपीएससी के शेड्यूल या सॉरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने जो है इस मॉक टेस्ट को प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है एचपीजी की सेक्शन 1 to 15 क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग, हमने जो है मैच करना है। तो उसमें दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो लिपा असरंग जो है कहाँ पर है, किन्नौर में। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, सोलन में। और बांदली कहाँ पर है, मंडी में। ओके, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा A2 B4 C1 D3, तो बी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि से संपन्नता योजना इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट टू एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ। ओके, किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में कृषि से संपन्नता योजना लागू की जा रही है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एस्ट्रोपोइटिडा एंड सैटर्न, यानी कि हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है कृषि से संपन्नता योजना लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट वन में हमें बुक्स दी है और लिस्ट टू में इसके ऑथर। ओके, तो सबसे पहली बुक है किन्नर लोक साहित्य, तो यह लिखी है डॉक्टर बी आर शर्मा ने, जो है आपका सही आपका एक मैच है। देन है हिमालयस अ बॉर्ड ऑफ लाइट, यह बुक जो है किसने लिखी है, निकोलस रॉडिक ने, तो यह भी जो है सही मैच है। हिमाचल परिचय, ओके, हिमालय परिचय बुक लिखी है राहुल सांस्कृतायन ने, यह भी जो है सही मैच है। फोर्थ और लास्ट जो आपका बुक है वह है पॉलियंड्री इन द हिमालयस, यह बुक जो है किसने लिखी है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने, तो फोर्थ जो है आपका गलत है। तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका 1, 2 and 3 जो है सही आपके आंसर है या सही ये मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुदानी इज अ टर्म यूज्ड फॉर विडो रीमैरिज इन विच एरिया। गुदानी जो है किस क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। आपका जो कांगड़ा और चंबा जो है वहां पर विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है गुदानी शब्द का यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच खड सेपरेट्स द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, कौन सी जो है आपकी खड जो है हमीरपुर को मंडी से अलग करती है, कौन सी खड है आपकी, सीर खड, ऑप्शन बी सही आंसर है। ओके, तो मॉक टेस्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया है, आप हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही जो है आपको ईमेल दिया है, आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, धनछो वाटरफॉल लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। धनछो जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द 7 मेन रेंजेस और हिल्स इन द बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन जो है बिलासपुर में 7 पहाड़ियों या मुख्य श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी को पता है बिलासपुर को जो है सतधार कहलूर कहा जाता है। बिलासपुर में जो है 7 मेन धार है या रेंजेस है, माउंटेन है, तो इन्हें जो है सतधार कहलूर कहा जाता है। तो इसमें जो है कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, हाथीधार और सिकंदर धार आपकी इनमें नहीं आती है, आपकी झंझार और त्यून धार जो है सतधार में आती है। तो आपका जो है ऑप्शन बी सही आंसर है 3 and 4। तो 7 धारों में से 2 आपकी कौन कौन सी है, झंझार धार, त्यून धार, बाकी की कौन कौन सी है, नैना देवी धार, कोट धार, आपकी त्यून धार, बांदला धार, ओके, भादरपुर धार, रतनपुर धार, तो आपकी 7 पहाड़ियां जो है मिलकर बनाते हैं आपका बिलासपुर या सतधार कहलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक फॉसिल पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट।
सिरमौर जिले में शिवालिक जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? आपका जो शिवालिक फॉसिल पार्क है, जिसे सुकेती फॉसिल पार्क भी बोलते हैं, यह जो है सिरमौर जिले में है, इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 23 मार्च 1974 को। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। पार्क की वाज डिक्लेयर्ड कैपिटल बाई विच किंग इन 1650। अर्की को जो है किस राजा द्वारा 1650 में अपनी राजधानी घोषित किया गया था? अर्की की बात करें तो भागल रियासत के राजा थे राजा राणा सभाचंद। इन्होंने जो है 1650 में अर्की को कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरकडन पीक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जोरकडन पीक जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा या किन्नौर? जो है आपके किन्नौर जिले में। इसकी ऊंचाई है 6473 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली कॉल्ड कविराज? कौन सा व्यक्तित्व जो है लोकप्रिय रूप से कविराज के रूप में जाना जाता था? तो किसे कहते थे कविराज? डॉक्टर पंडित पदमदेव। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हिमाचल गवर्नमेंट विल डेवलप हिमाचल प्रदेश एज अ ग्रीन स्टेट बाई? बजट में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक जो है एक ग्रीन स्टेट या हरित राज्यों के रूप में विकसित करेगी। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही आंसर रहता है। एज पर बजट 2023-24, द अमाउंट ऑफ एमएलएस एरिया डेवलपमेंट फंड इज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू डैश पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। बजट 2023-24 के अनुसार विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर जो है प्रति विधानसभा क्षेत्र कितनी की है? आपकी 2 करोड़ 10 लाख। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ हिम गंगा स्कीम लॉन्च बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली हिम गंगा स्कीम जो है किससे संबंधित है या इसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो 500 करोड़ की स्कीम चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अंडर द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ RS डैश विल बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत जो है कितने रुपए की वित्तीय सहायता घरों के निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1.5 लाख। तो ये था हमारा सेक्शन 1 HBG के। तो PGT जो एग्जाम होना है ये आप देख सकते हैं, इसका जो हमने मॉक टेस्ट का शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया है, तो उसमें टोटल आपको जो है 15 मॉक होंगे। तो मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आपके जो लास्ट के 5 मॉक हैं वह जो है हम एग्ज़ाम से पहले आपको सभी के सभी मॉक्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 16 to 30 जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पहला हमारे इसमें क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, दिस फेस्टिवल बेगन ऑन नवंबर 28 बेंबोलिम गोवा। द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर माइकल डॉगलस। यह उत्सव 20 नवंबर को गोवा में शुरू हुआ था। यह सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है महान हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। तो इसके जो है बोथ ए एंड बी यानी कि 1 और 2 सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 22nd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स ऑन अक्टूबर 25-26, 2023? किस देश ने 25-26 अक्टूबर 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की परिषद की 22वीं बैठक की मेजबानी की? किसने की? बिश्केक, किर्गिस्तान ने। ओके, किर्गिस्तान ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विच कंट्री बिकेम द 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज ऑन नवंबर 7, 2023? नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य जो है कौन सा देश बना? ऑप्शन डी चिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आईआईटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल कैंपस ऑन द पिक्चर्स जंजीबार आइलैंड इन ईस्ट अफ्रीका। कौन सा आईआईटी पूर्वी अफ्रीका में सुरमय जंजीबार द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है? इसका हमारा सही आंसर रहता है आईआईटी मद्रास। एक्सप्लेनेशन के लिए जो है नेक्स्ट हमारी जो है पीडीएफ है जो हमने सिर्फ जो है स्पेशली एक्सप्लेन उसमें हमने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? केरल, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बोंगो सागर 23? बोंगो सागर 2023 के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड बांग्लादेश नेवी। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है, फिफ्थ एक्सरसाइज हुई थी अभी। सेकेंड है, इट वॉज हेल्ड ऑन नवंबर 7 to 9 नियर गोवा कोस्ट। योर स्टेटमेंट गलत है, यह आपकी हुई थी बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए हमारा जो है स्टेटमेंट वन यानी कि ओनली वन जो है करेक्ट आंसर है। विच विलेज इन गुजरात हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? धोर्डो को, ऑप्शन सी। विच वार्ड हैज बीन नेम्ड कॉलिंस वार्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय द ग्लासगो स्कॉटलैंड बेस्ड कॉलिन डिक्शनरी? ग्लासगो स्कॉटलैंड स्थित कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को कॉलिंस वार्ड ऑफ द ईयर 2023 नाम दिया गया? किसे चुना गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वट वॉज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो है भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक जो है 40th रैंक थी। इसको जो है कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू पॉपुलराइज सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा जागरूकता को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जो है यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, कपिल देव या पंकज त्रिपाठी? तो पंकज त्रिपाठी सही आंसर है। पंकज त्रिपाठी और शक्ति कपूर के जो है आपको एड्स देखने को मिलते हैं आजकल यूपीआई से रिलेटेड। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस खेल से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। ओके, तो अभी लास्ट ईयर जो है आपका ये ट्रॉफी हुई थी T20 ट्रॉफी, तो उसमें जो रणजी में जो भी टीमें खेलती हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट टाइम जो है पंजाब ने बड़ौदा को हरा के इस ट्रॉफी को जीता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अकॉर्डिंग इस अप्रूवल फॉर द ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व एज 54th टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जो है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व को देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। यह जो है आपके राजस्थान राज्यों में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन विच डेट? भारत जो है किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है? हर साल जो है जनवरी 24 को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंडिया एंड यूएसए 2+2 मीटिंग इन 2023? इंडिया और यूएसए का जो 2+2 मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में 2023 में, यह हुई थी आपके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट इन 75th रिपब्लिक डे 2024? जो आपका 75th आपका गणतंत्र दिवस हुआ था उसका जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे आपके? इमैनुअल मैक्रोन यानी कि ऑप्शन सी। 2023 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी इसमें, 2024 है ये 75th, तो इसमें इमैनुअल मैक्रोन ने जो है पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपका था है इंग्लिश पोर्शन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश
में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट द एयर इज। टू बीट द एयर इडियम का जो अर्थ रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन डी, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ इम्पॉसिबल आपने कुछ ट्राई कर रहे हैं उसे बोलते हैं टू बीट द एयर। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट एक्टिव फॉर्म जो रहेगी, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड देम, ऑप्शन ए बी सी डी में से वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाई देम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म हमने देखनी है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। इसकी जो करेक्ट फॉर्म रहती है वो है आपकी ऑप्शन ए, शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, तो इसका सही आंसर रहेगा एक्सटिंग्विश। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स की बात करें तो हमारा सही आंसर रहता है इसमें ऑप्शन सी, द हैवी रेनफॉल लास्ट वीक वाज अ डिजास्टर टू क्रॉप्स दैट वर ऑलरेडी इन द डिसमिसल स्टेट, यानी कि ऑप्शन सी। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रमन सॉ दैट द क्लॉक डैश। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, रमन सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल इज। फ्रेजाइल का जो एंटोनिम रहता है वो रहता है आपका स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसॉर्ट इज कंसॉर्ट, यानी कि साथी। इसका सही आंसर रहता है आपका ऑप्शन डी, पार्टनर। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। इसका जो सही आंसर रहता है आपका वो रहता है आपका ऑप्शन डी, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। देन लास्ट जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं 10, जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उसमें पहला क्वेश्चन है, उड़िया सॉरी उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या रहता है, चालाक होना या अनुभवी होना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ है कंजूस से कुछ पा लेना। अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपका जो अरण्य शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द जो कौन सा नहीं है। विपिन कानन और जंगल जो है आपके अरण्य के पर्यायवाची शब्द है, पीयूष जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। अतिरिक्त में उपसर्ग है, अतिरिक्त में जो है अति उपसर्ग है, ऑप्शन ए। बदचलनी में शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बदचलनी शब्द की बात करें इसमें जो है ऑप्शन ई सॉरी ऑप्शन सी ई जो है प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्यय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन सी, प्रतिजमा अय। उदंड का विलोम है, उदंड शब्द का जो विलोम रहता है वो रहता है आपका विनीत। नेक्स्ट है, परोक्ष में कौन सा समास है। परोक्ष की बात करें तो इसमें समास रहता है आपका अव्ययीभाव। भाव प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। प्रस्तर का जो तद्भव शब्द है वो है पत्थर। छंद और अलंकार जो है हम आगे आने वाले मॉक्स में ऐड करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा जो शब्द है ऑप्शन सी, यह आपका विशेषण है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो है आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप ईमेल भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।